हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही खास स्टार्टर बनाऊंगी, एक कटलेट की रेसिपी है ये। इसे कभी भी बनाकर खा सकते हो, स्कूल टिफ़िन या ऑफिस टिफ़िन में भी इसे दिए जा सकते हैं। सामने ही त्यौहार है तो इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और सबको खिलाइए। ये बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है और सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये रेसिपी, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस रेसिपी को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए टांगे हुए दही, या पर चाहिए चॉप धनिए का पत्ता, हरी मिर्च, गाजर, कद्दूकस किया प्याज, साथ में चाहिए सत्तू और ये कुछ मसाले। तो पहले क्या करेंगे, हरी मिर्च को डाल देंगे दही के साथ, धनिए का पत्ता डाल देंगे, कद्दूकस की हुई गाजर डाल देंगे, कद्दूकस की हुई प्याज डाल देंगे और साथ में ये मसाला, रोस्टेड जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और साथ में चाहिए गरम मसाला पाउडर। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर देंगे। दही को मैंने एक रात पहले एक सूती की कपड़े के अंदर डाल के टांग दिया था, तो उसका जो पानी है वो सारा निकाल गया है। तो ऐसी ही दही हमें चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सत्तू। आपके पास अगर सत्तू ना हो तो आप इसमें जो बेसन है, बेसन को हल्का सा रोस्ट करके ठंडा करने के बाद इसमें ऐड कर सकते हो। तो अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो 1 चम्मच सत्तू और इसमें डाले जा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है काफ़ी चिपचिपा है, तो इसमें 1 चम्मच और सत्तू की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सत्तू और मिला दिया है और अभी मुझे लगता है कि ये एकदम परफेक्ट तैयार हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा सत्तू डालने से ये कुछ और ही बन जाएगी। तो ये बाइंडिंग स्टेज पे तैयार हो गए हैं। तो अभी हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ से छोटे छोटे पोर्शन के बॉल्स निकाल लेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से मीडियम या बिग साइज का बॉल निकाल सकते हो। इसे ऐसे दबाते हुए ब्रेड क्रम के अंदर कोट कर लेंगे। दोबारा से इसमें ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। तो ये एक तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे, जो बाकी बचे हुए हिस्से हैं उसमें से भी ऐसे कटलेट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 9 कटलेट्स बना लिया है। अब दूसरे प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो इस कढ़ाई पे मैंने तेल गरम कर लिया है। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है और तेल गरम हो चुके हैं। गैस को मीडियम लो कर दें, हाई फ्लेम में इसे ना बनाएं और धीरे धीरे डालते हुए इसको फ्राई कर लें दोनों साइड से। तो ये तैयार हो गए हैं। अब इसको तेल से निकाल लेंगे एक छन्नी की मदद से, ऐसे किनारे पे लगाते हुए जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकाल देंगे। और लीजिए, ये तो तैयार हो गए हैं और बाकी सारे कटलेट्स भी ऐसे ही फ्राई करके निकाल लेंगे। तो लीजिए, तैयार हो गए हैं दही के कटलेट। ये बहुत टेस्टी बनती है, इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि ये कैसी बनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।